केवल एक ही चारा नज़र आ रहा है कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा। और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा जाति जनगणना को लेकर के करनी पड़ेगी। शशि यादव जी का अपना पार्टी है, अपना शरीर है, भगवान करे निरंतर पैदल ही चलते रहें। नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना रहमान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां राज्य में जातिगत जनगणना कराने की हर मुमकिन कोशिश में लगे हुए हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अब अल्टीमेटम दे दिया है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने 48 से 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली पैदल मार्च करेंगे। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि राज्य में अगर जातिगत जनगणना नहीं होती है तो तेजस्वी यादव सड़क पर उतरेंगे, जिसके बाद से तेजस्वी यादव को कई दूसरी पार्टियों का साथ भी मिल रहा है। मुकेश सैनी ने भी ये साफ साफ कह दिया कि तेजस्वी यादव अगर चाहें तो विपक्ष के साथ वीआईपी पार्टी भी सड़क पर उतर सकती है। वहीं इस कड़ी में अब बीजेपी तेजस्वी यादव को घेरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के मंत्री रामसूरत राय ने तेजस्वी यादव पर कड़ा हमला किया है। बता दें कि रामसूरत राय ने तेजस्वी यादव को साफ तौर पर ये कह दिया कि तेजस्वी इस यात्रा पर निकल जाएं, तेजस्वी के स्वास्थ्य के लिए ये बेहतर होगा। रामसूरत राय ने साफ तौर पर ये कह दिया कि तेजस्वी यादव चाहें तो राम जी की तरह वनवास पर भी जा सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं रामसूरत राय, हम आपको उनके पूरे बयान को सुना दें। मैं कई बार जवाब दे चुका हूं, भारत सरकार और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों सक्षम हमारे शीर्ष नेतृत्वकर्ता हैं, नेता हैं, समय आने पर जो उचित होगा वो करें। पर तेजस्वी यादव पैदल यात्रा करें, तेजस्वी यादव जी का अपना पार्टी है, अपना शरीर है, भगवान करे निरंतर पैदल ही चलते रहें, प्रभु श्री राम की तरह 14 वर्ष तक वनवास करते रहें, अच्छी बात है, स्वास्थ्य लाभ होगा। क्या बिल्कुल बिल्कुल, हर दल का अपना अपना विचार है, हर दल का अपना अपना विचार है, समय आने पर जरूर, समय और भाग से पहले कुछ नहीं। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए, वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।